हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग स्टडी कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं फिर से अपने करंट अफेयर्स के टिप्स एंड ट्रिक्स, और आज की वीडियो कुछ अलग ही अंदाज में रहेगी, कुछ चेंजेस किए हैं, तो आई होप आपको पसंद आएगी कुछ वीडियोस। सबसे पहले देखेंगे हम मोटिवेशनल कोट्स। ठीक है, आपको पता ही होगा माइकल जॉर्डन्स के बारे में, आपने सुना ही होगा। तो माइकल जॉर्डन एक बंदा था जिसका बचपन गरीबी में बीता है, और बाद में वो इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है कि वो आगे चल के एक बहुत बड़ा प्लेयर बनता है। तो कहने का मतलब है कि वो बहुत ही मेहनत करता है और मेहनत के बलबूते में आगे बढ़ता। तो उसका एक क्वोट है, इफ़ यू क्विट वंस इट बिकेम्स अ हैबिट, नेवर क्विट। अगर आपको लगता है कि आप अभी क्विट करो, यार बहुत थक गया आज पढ़ाई नहीं हो रही, यार थक गया हूँ मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता, तो भी आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़िए उस दिन। उस दिन 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ने से क्या होगा कि जो ये आपको आदत होगी क्विट करने की, वो कभी आपके मन में नहीं आएगी। देखना आपके अंदर इतना इम्प्रूवमेंट होगा कि आप वो 5 मिनट के बदबूते में आप आधा घंटा, 1 घंटा या 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। ठीक है, ये धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा, इसके लिए समय लगेगा। ठीक है, तो मेरी ये बात याद रखिए, कभी भी क्विट मत कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। यही एक रास्ता है हमको आगे बढ़ने के लिए। और अभी लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में का जितना इस्तेमाल करना चाहिए आप इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि 2-3 महीने के बाद अगर लॉकडाउन खुलता है तो कंटिन्यूस एग्ज़ाम्स होंगी। जितनी भी एग्ज़ाम्स पेंडिंग है, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स, वो सब 1 ही महीने या 2 महीने में हो जाएगी। तो आपको पहले से प्रिपरेशन रखना पड़ेगा और आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। पहला करंट अफेयर्स है 17 जून का। ठीक है, तो इसमें मैं बात करूंगा कि धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है नेशनल फर्स्ट इंडियन गैस एक्सचेंज। इंडियन गैस एक्सचेंज उन्होंने लॉन्च किया हुआ है। तो इसमें आप देख लीजिए कि सिर्फ अपने को आपको कीवर्ड याद रखना है। इंडियन गैस एक्सचेंज एक कीवर्ड हो जाएगा आपके लिए, आप याद रख सकते हैं उसको। उसका एक चीज है, दूसरा आप कौन से हेडक्वार्टर में, ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली, ये एक याद रखिए। ठीक है, और उसके बाद आएंगे, फिर मुझे नहीं लगता कि PNGRB के ऊपर कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो ये चीज़ आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, IEX मतलब इंडियन गैस नहीं। ठीक है, IEX का भी आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसको स्किप करना पड़ेगा। अब है नेक्स्ट है EPFO। हाँ, ये आपको याद रखना पड़ेगा, एक अलग से नोटबुक बनाइए। ठीक है, उसमें एक पेज बनाइए अलग, उसमें EPFO- करके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लिख दीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है करंट अफेयर्स में कि EPFO का फुल फॉर्म बताइए। तो EPFO ने क्या किया है, मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट अभी लागू किया हुआ है उसने। तो मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट्स पहले कैसा रहता है, रीजन वाइज सेटलमेंट होते थे, ये रीजन का है तो ये एरिया के अंदर आएगा तो ये ऑफिस करेगा। तो अभी कोरोना के कारण उन्होंने ख्याल से उन्होंने मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट कर दिया है, जिससे कि कहाँ का भी बंदा किधर का भी उसको अपनी जगह में रह के वो अपना सेटलमेंट कर सकता है। ठीक है, ये एक अच्छी न्यूज़ है मेरे को लगता है। ठीक है, इसके ऊपर ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, सिर्फ एक पढ़ने के लिए है इसमें EPFO, वो आपको रिवाइज कर लीजिएगा। फिर है इंडिया बिल्ड्स फॉर फर्स्ट एवर इन्फेक्शियस डिजीजेस डायग्नोस्टिक लैब। तो इंडिया ने बिल्ड किया है इन्फेक्शियस डिजीज डायग्नोसिस लैब, उनने ये किया, बिल्ड किया है। ये भी मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन इतना ये है, सिर्फ आप एक याद रख लीजिए कि ये आत्मनिर्भर जो भारत है, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं क्या है। ठीक है, तो आत्मनिर्भर भारत के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आत्मनिर्भर भारत के ऊपर हम थोड़ा स्टडी करेंगे क्या है। आत्मनिर्भर भारत है जिसमें 20 लाख करोड़ का पैकेजेस दिया गया है भारत सरकार ने, तो ये आपके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आत्मनिर्भर भारत में कितने लाख का पैकेज प्रोवाइड किया है गया है लोगों को, तो 20 लाख करोड़ उसका आंसर रहेगा। ठीक है, उसके बाद मेरे को तो ये नहीं लगता इसमें कुछ है। अब आते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में। इंडिया रैंक 6th एज न्यूक्लियर वेपन इंक्रीज्ड सिंस 2019। अब ये कैसा रैंकिंग का क्वेश्चन है, तो रैंकिंग का क्वेश्चन है, तो सेम आप एक अलग से नोटबुक बनाइए। ठीक है, तो नोटबुक बना के ऐसे रैंकिंग लिखिए ऊपर, और इंडिया ऐसे लिखिए, इंडिया 6th में है, और टॉप ब्रैकेट के अंदर रखिए टॉप में कौन है, US है, और किसने दिया, सिपरी ने दिया है। ठीक है, तो ऐसे करके आप बनाइए। जब एक दो बहुत बार जब पढ़ेंगे आप रेगुलर, 2-3-4-5-6 दिन, तो आपको बहुत सारे रैंकिंग्स के क्वेश्चन रैंकिंग के क्वेश्चंस आ जाएंगे, रैंकिंग के
मतलब आप देखेंगे तो आपके पास ये 3 4 5 6 7 ऐसे पूरे फिल होते रहेंगे, तो आप एट लास्ट लास्ट ऑफ द मंथ में आप पूरा रैंकिंग यहाँ से पढ़ सकते हैं, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ये ऐसा कर सकते हैं। फिर रैंकिंग होने के बाद मुझे नहीं लगता इतना कुछ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहला एक है डिफेंस में, पहला है US और इंडिया है फोर्थ में, यही पूछेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अब ये याद रख सकते हैं, ये आ सकता है सिप्री। सिप्री का चेयरमैन कौन है? एम्बेसडर जैन एलिसन। ठीक है, डायरेक्टर डेन्स मेहता और हेडक्वार्टर स्टॉकहोलम स्वीडन है। तो मैं ऐसे याद रखता हूँ स्टॉकहोलम को, स्टॉक्स डेन, शेयर का डेन होता है आपको पता होगा। तो मेरा जितना भी स्टॉक है डिफेंस का, वो मैंने डेन के अंदर रखा हुआ है, तो ऐसे करके मैं याद रखता हूँ। ठीक है, और ये डायरेक्टर डेन है, डेन और डेन ये मैच हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, 2 3 बार रिवाइज़ करेंगे तो आपको हो जाएगा। ठीक है, तो सिप्री है ना, तो सिप्री को अपन ऐसे याद रख सकते हैं, ऐसे सिप्री। ठीक है, यह है सिप्री, तो सिप्री है, तो एस इधर एक, ठीक है, एस इधर एक, तो सिप्री का आएगा स्टॉकहोलम, स्टॉकहोलम, और ये स्वीडन। ठीक है, अभी डेन का डेन, DAN, अब ये डेन हो गया डायरेक्टर, तो ऐसा आप ये याद रख सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको एक टेक्निक बताया, उससे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बैंकिंग और फाइनेंस में क्या न्यूज़ है। बैंकिंग और फाइनेंस में है, एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है सुरक्षा सैलरी अकाउंट। तो मैं एयरटेल का एयर ही लूँगा और सुरक्षा सैलरी अकाउंट का, ये 2 कीवर्ड है मेरे लिए। अब ये किसके लिए लिया है? MSME के लिए लिया है, तो मैं इसको याद रखूँगा ऐसे। अपनी सुरक्षा के लिए, जो सैलरी के पैसे मैंने बचाए थे, अपनी सुरक्षा के लिए जो सैलरी से मैंने पैसे बचाए थे, वो मेरे बेटे ने एयर मतलब हवा में उड़ा दिए, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब ये इसमें से ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये किसके लिए दिया है? ये MSME के लिए दिया है। ठीक है, और ये फीचर्स पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ, नो मिनिमम बैलेंस बोला गया है, 2 कवर दिए गए बस, और कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अब एयरटेल पेमेंट बैंक का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है, हेडक्वार्टर क्या है? न्यू दिल्ली। तो मैं इसको याद रखूँगा, हाँ इसकी मैं ऐसे याद रखूँगा, दिल्ली के लोग एयर में बातें करते हैं, यानी हवा में बातें करते हैं, ऐसे ये याद हो गया। एयरटेल पेमेंट बैंक, MD & CEO कौन है? अनुब्रता विश्वास। अभी विश्वास का मैं रख दूंगा विश्वास। ठीक है, तो मैं ऐसे लिंक करूंगा, इस तीन लिंक ऐसे करना कि आपको तीनों वर्ड उसमें आ जाए, विश्वास भी आ जाए, दिल्ली भी आ जाए और एयर भी आ जाए। तो इसमें मैं ऐसा करूंगा कि दिल्ली के लोग हवा में बात करते हैं लेकिन उन पे विश्वास बहुत किया जा सकता है, बस ख़त्म, ऐसे करके आपको याद हो जाएगा। अब है उसके बाद इकोनॉमी एंड बिजनेस। CBIC चेयरमैन अजीत कुमार लॉन्च ई ऑफिस एप्लीकेशन इन ऑल CGST। अब CBIC का फुल फॉर्म क्या है? ये एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, CBIC का एक, CBIC या आप गूगल कर लीजिए, CBIC का फुल फॉर्म क्या है, इसका एक ऊपर क्वेश्चन होगा। CBIC का चेयरमैन कौन है? अजीत कुमार। ठीक है, गूगल भी कर सकते हैं CBIC। ठीक है, CBIC, तो इसको ऐसे याद रखिए कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो अजीत चेयरमैन है अजीत, तो आप कैसे याद रख सकते हैं? हम लोग टैक्स बचाने में हमेशा जीत जाते हैं, ये टैक्स और ये जीत, तो ऐसे याद रख सकते हैं। और लोग दिल से बचाते हैं, दिल्ली का मैं डिनोट करता हूँ दिल। ठीक है, हम लोग दिल से टैक्स बचाते हैं और उसमें हम जीत जाते हैं, ख़त्म। अब NIC, अब NIC
का है, ये भी आ सकता है, एनआईसी का फुल फॉर्म क्या है, इसको भी साइड में रख लीजिए, एक नोटबुक बना लीजिए और उसमें लिख लीजिए एनआईसी डैश नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, ठीक है, और उसको रिवाइज करते रहिए। अब एनआईसी का डायरेक्टर जनरल कौन है, नीता वर्मा, ठीक है, नीता नी, तो इसको अपन कैसे याद रख सकते हैं, वर्मा जी, सॉरी ऐसे भी करने की ज़रूरत नहीं, एनआईसी है ना, तो ई टी ए नीता, ये नीता ऐसे एक बन गया, ठीक है, दिल्ली का आई, दिल्ली, ये दिल्ली का आई, ठीक, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब इंडिया का फॉरेन रिज़र्व क्रॉस किया है 500 बिलियन से, इसको आप साइड में नोटबुक में लिख लीजिए 500 बिलियन और उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है अवार्ड्स, अवार्ड्स में अपन देखेंगे क्या है, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी वॉन बायोडाइवर्सिटी अवार्ड ऑफ प्रिंस एल्बर्ट ऑफ मोनाको फाउंडेशन को किसने जीता है, ये याद रखें, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी, ये ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं है इस क्वेश्चन को कि आ सके, लेकिन फिर भी अपने को याद करने के लिए याद कर लेंगे, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी, तो डेक्कन का डी और बायोसाइटी बायोडाइवर्सिटी का डी, ये आप याद रख सकते हैं, इससे लिंक कर सकते हैं, ठीक है, और ज़्यादा कुछ क्वेश्चन है नहीं, ये सब मुझे नहीं लगता याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टेट लेवल में आपको याद करने की ज़रूरत थी। अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन, अब पीएम केयर फंड ट्रस्टी अपॉइंट साक एंड एसोसिएट एज ऑडिटर, ठीक है, साक और एसोसिएट के लोगों को उसने ऑडिटर बना दिए पीएम केयर फंड में, ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, पीएम केयर फंड का, पीएम केयर का पहली बात तो फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म ऑफ पीएम केयर, ये भी साइड में नोटबुक में लिख के, फुल फॉर्म वाली नोटबुक एक अलग से बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए पीएम केयर का फुल फॉर्म, ठीक है, वो लिख लिया। अब ये है सार्क्स एंड एसोसिएट, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो सार्क एंड एसोसिएट का फाउंडर कौन है, चेयरमैन कौन है, सुनील कुमार गुप्ता, ठीक है, तो एस ए आर सी सार्क और सुनील, एस एस यू एन ई एल सुनील, ये ऐसे बन गया, ठीक है, और आई है तो दिल्ली का डी ई एल, अच्छा दिल्ली, ठीक है, तो सुनील और दिल्ली सार्क, आपको हेडक्वार्टर और ये दोनों याद हो गया। अब है कायर्गिस्तान प्राइम मिनिस्टर, अब ये इतना खतरनाक नाम है कि मेरे को तो पढ़ने नहीं आ रहा, तो मैं पढ़ता नहीं हूँ कभी, तो मैं कायर्गिस्तान को लिख पढ़ता हूँ क्या रे करके, साउथ इंडियन में बोलते हैं अरे क्या रे ऐसे करके, तो अब मैं पूरा नाम नहीं पढ़ूंगा ये प्राइम मिनिस्टर का, तो मैं मुक्का याद रखूँगा, जो मुक्का लिखा हुआ है उससे वो मुक्का याद रखूँगा, क्या रे मुक्का खाएगा क्या, ऐसे करके अपन याद कर सकते, तो अपने को याद हो गया, ठीक है। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है ये पार्ट, कायर्गिस्तान का कैपिटल और करेंसी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखने का ऐसा है क्या है, केक, बिश केक है ना, तो इसको केक समझ लीजिए, और कायर्गिस्तानी सोम, इसको सम याद रख लीजिए, क्या, तो इसको ऐसे याद रखेंगे, क्या रे सम केक खाएगा क्या, ऐसे करके इसको याद कर लीजिए, ये हो गया आपका। अब उसके बाद है सीसीआई ने अप्रूव किया है एक्विजिशन ऑफ मैक रिचे इन 91 स्ट्रीट एसेंट एंड एपीआई, तो मुझे नहीं लगता, मुझे तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन इसमें दिख रहा है, सीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, कब फॉर्म हुआ है, उसका हेडक्वार्टर क्या है और चेयरमैन कौन है, तो मेरा एक दोस्त था अशोक, मैं हमेशा उससे कंपटीशन लगाया करता था, तो इससे वो लिंक हो गया और ये मेरे को याद हो गया हमेशा के लिए। अब है दिल्ली, तो दिल्ली मतलब दिल, ये एक है, ये एक वर्ड हो गया, फॉर्म 2003, एक और नोटबुक बना लीजिए अलग से, या फिर एक उसी नोटबुक के अंदर एक अलग सा पेज बना लीजिए, उसके अंदर लिख लीजिए फॉर्मेशन, फॉर्मेशन करके, और वहाँ पे ऐसे लिख दीजिए सीसीआई डैश 2003, तो ये आपको कैसा है इजी पड़ जाएगा याद करने के लिए, तो मैं ऐसे याद करूँगा, अशोक मेरा जो दोस्त था मैं उससे दिल से कंपटीशन लगाता था, बस ख़त्म, ये याद हो गया, ठीक है। साथ साथ में इसको रिवाइज़ भी कीजिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी बीच बीच में, तो
कृपया करके इसको लाइक कर दीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। और कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही होगी तो इसमें कमेंट कर दीजिए, तो मैं कमेंट सेक्शन को पढ़ूंगा और फिर मैं अपने वीडियो में चेंजेस लाऊंगा जिससे कि आपके लिए और वीडियो एनहांस हो। ठीक है, एनवायरनमेंट के ऊपर क्वेश्चन है, मेरे को नहीं लगता इतना मतलब इतना ज़्यादा रिलेवेंट है ये सीए से, लेकिन फिर भी अपन पढ़ लेंगे। 500 साल पुराना टेंपल फाउंड हुआ है कहाँ पे? महानदी रिवर में, उड़ीसा में। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? इसको कुछ ज़रूरत नहीं, ये क्वेश्चन भी इतना ये नहीं रिलेवेंट नहीं है, तो ये भी नहीं किया। तो ये भी क्वेश्चन इतना खास नहीं, क्योंकि ये आते नहीं, साइंस वाले क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। सिर्फ ये एसएससीज या फिर तुमको रेलवे में क्वेश्चन दिख जाएंगे, बैंकिंग रिलेटेड में बहुत कम। फिर भी अगर आपको याद करना है तो इसको आप एक तरीके से याद कर सकते हैं। कौन सी नई फिश हुई है? सीखू जो भी है अरुणाचल प्रदेश, तो मैं इसका ये वर्ड लूँगा सीखू, क्योंकि ये मेरे को ईजी लग रहा है याद करने के लिए। और मेरा दोस्त है अरुण, तो मैं अरुणाचल में से अरुण ले लूँगा, अरुण और सीखू, ये मेरे कीवर्ड हो गए। तो मैं ऐसे करूँगा, मेरा एक दोस्त था, सीखू भी नहीं सॉरी सीख लूँगा, उसने सिख मछली खाई, SICK, और बीमार हो गया, पेट ख़राब हो गया उसका। ठीक है, और साथ साथ में मैं जो बता रहा हूँ ये इमेजिन करने की भी कोशिश कीजिए, आपके अगर कनेक्शन में कुछ है तो और भी इजी पड़ जाएगा आपको याद करने में। ठीक है, तो हाँ ये क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश, ये आ सकता है क्वेश्चन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल कौन सा? ईटानगर। चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खंडू, और गवर्नर है मिश्रा। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, यहाँ का एक कीवर्ड अरुण ले लेंगे, ईटानगर में से ईटा ले लेंगे, ईटा मतलब ब्रिक्स, तो अपन हिंदी में उसको ईटा बोलते हैं। ठीक है, चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू, तो मैं इसका आंडू वर्ड ले लेता हूँ। ठीक है, और गवर्नर है मिश्रा, तो मिश्रा का मिश्रा लेता हूँ। अरुण ने, मिश्रा जी ने अरुण को के ऐसे याद रखिए कि मिश्रा जी ने अरुण अरुण के ऊपर गुस्सा किया, तो अरुण ने ईटा उठाया और बोला मैं क्या आंडू पांडू समझ रखा है मुझे, ऐसे करके अब उसको याद रख सकते हैं इमेजिन करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ ये नेशनल पार्क है ये भी। हाँ एक और काम कीजिए, एक और पेज ओपन, एक नोटबुक में एक और पेज बनाइए, और उस नोटबुक में एक पेज में लिखिए स्टेट्स। ठीक है, स्टेट्स, और उसके नीचे पार्क, जो भी पार्क का समझ लो यूपी है, यूपी आता है इसमें, यूपी लिख लीजिए, इसके अंदर जो पार्क आता है, पहला पार्क, दूसरा पार्क, तीसरा पार्क, चौथा पार्क। ठीक है, तो ये आपको लास्ट टाइम में जब रिवीजन करोगे, एग्ज़ाम देने जाओगे, तो आपको रिवाइज होगा। मैं ट्रिक्स बताऊंगा फ्यूचर में कि कैसे इसको याद रखेंगे, तो मैं भी कैसे याद रखता था इसको, तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे याद रखते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस 2016, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बोला होगा कि अलग से पेज बना लीजिए, उसमें जून यहाँ पे डेट लिखिए, डेट लिखने की भी ज़रूरत नहीं, यहाँ पे लिखिए जून महीना चल रहा है, जून में जो 16 है 16 में इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, बस इतना लिख दीजिए और उसको रिवाइज कीजिए। ये इतना ज़्यादा मेरे को नहीं लग रहा है रिलेवेंट है। ठीक है, ये करने की ज़रूरत भी नहीं है। ग्लोबल विंड डे, तो वही साइड में लिख लीजिए 15 जून करके, ग्लोबल विंड डे 2020, ये भी कुछ काम का नहीं है। स्टेट न्यूज़, महाराष्ट्र ने कितने 12 MOU साइन किए, ये क्वेश्चन आ सकता है कितने MOU वगैरह साइन किए वगैरह, तो महाराष्ट्र ने 12 MOU साइन किए। कितना करोड़ है FDI? 16,000 करोड़, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ठीक है, और क्या नाम है ये मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 मूवमेंट, ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, और महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई है, गवर्नर कौन है? भगत। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? भगत सिंह एक महान इंसान थे, ऐसे करके याद रख सकते, भगत सिंह एक महान इंसान थे वगैरह करके याद रख सकते हैं। ठीक है, जो कोई भी बीमारी को हरा सकते थे, ऐसे करके आपको याद हो जाएगा कि भाई कोरोना के लिए ये ऐसा कुछ आया है। ठीक है, मणिपुर CM बीरेन सिंह इनॉग्रेट्स 3 प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन बाय PHC थ्रू VC। अब इसमें मेरे को याद करना है CM बीरेन सिंह कौन है, तो मणिपुर का
तो बीरेन सिंह से मैं याद करूँगा, ये वर्ड लूँगा बीरे। बीरे अगर आप बात करें गुजराती में तो वीरे एक वर्ड रहता है, वीरे मतलब भाई रहता है एक प्रकार से। तो वीर, और ये मणिपुर का मैं मनी लूँगा वर्ड, मनी को मैं बोलूँगा मानी, ठीक है। वीरे ने मेरी हर बात मानी है, तो ऐसे करके वीरे ने मेरी जो हर बात मानी अब वो सीएम बन चुका है। तो ऐसे करके आपको ये सीएम याद हो गया, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट, अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। यूपी गवर्नमेंट डिसाइड टू अडॉप्ट फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल, ये ऊपर ऊपर पढ़ने के लिए अच्छा है, बाकी इतना कुछ खास नहीं है। यूपी इतना कुछ खास नहीं, ये भी इतना रिलेवेंट नहीं लग रहा मेरे को। वेस्ट बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है, उन्होंने लॉन्च किया है कर्मो भूमि जॉब पोर्टल टू हेल्प आईटी प्रोफेशनल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, जो भी लोग रहते हैं मेरे दोस्त हैं आईटी वाले, जो भूमि में बैठ जाए वो उनका कर्म भूमि हो जाता है लैपटॉप लेके, ऐसे करके याद कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब वेस्ट बंगाल के बारे में देख लीजिए, इसका कैपिटल कोलकाता है, गवर्नर जगदीप धनकर है, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, वेस्ट बंगाल के जो भी गवर्नर बने वो उनके पास धन बहुत है, ऐसे करके आप डाल सकते हैं। नेशनल पार्क को एक नोटबुक में लिख लीजिए, ये आपको लास्ट इन फ्यूचर में आपको मैं बताऊंगा। तो हाँ, ये कर्म भूमि का ये वेबसाइट भी पूछ सकते हैं, तो आप इसको भी याद रख लीजिए, ठीक है। तो ये एक है जो कि आप याद रख सकते। तो ये थी आज की वीडियो, ठीक है। आपको आई होप आपको ये जो नया मेरा फॉर्मेट है ये अच्छा लगा होगा, और आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि दूसरों को भी इस वीडियो से फ़ायदा होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और कुछ भी अगर आपको लगता है मेरे में अंदर कुछ कमी रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे को बता सकते कि ये मेरे में कमी रह गई है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।